नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए कैंसर का कर्क राशि वालों का वार्षिक भविष्य 2019 के लिए। 2019 का वार्षिक भविष्य कैंसर इन कर्क राशि वालों के लिए, आप सबके लिए। ये पूरा फोरकास्ट आपकी चंद्र राशि के मुताबिक है। ये पूरी फोरकास्ट, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग्स, जो उपाय दिए जा रहे हैं, मंत्र साधना दी जा रही है, प्रिकॉशन दी जा रही है, परहेजगारी दी जा रही है, जो भी एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसका ताल्लुकात आपकी चंद्र राशि से है। इस फोरकास्ट को देखा जाए, समझा जाए अपने मून साइन के मुताबिक, अपनी चंद्र राशि के मुताबिक। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो अपने बर्थ चार्ट से भी पता कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को ना लिया जाए अपने सन साइन के मुताबिक, जो आप अपने आप खुद ही अस्यूम कर लेते हैं कि सन साइन और मून साइन एक ही होते हैं, जो गलत है। सन साइन और मून साइन टोटली दो चीज़ें, टोटली टू डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो इस साइन को अगर आप इसको मून सन साइन के मुताबिक देख रहे हैं तो वो प्रेडिक्शन आप पे अप्लाई ना होगी। इस प्रेडिक्शन को देखा जाए, समझा जाए अपनी चंद्र राशि अपने मून साइन के मुताबिक। अगर आपका मून साइन कैंसर है उसके मुताबिक आपको चलना होगा। कैंसरियन आपके मून साइन है तो ये आप पे अप्लाई होगा। अगर मून साइन आपका कैंसर नहीं है तो ये आप पे अप्लाई ना होगा। इसका सन साइन कैंसर से कोई लेना देना नहीं। शुरुआत करेंगे कैंसर का ईयरली फोरकास्ट 2019 के लिए, आप सबके लिए। शुरुआत करेंगे डायनामिक्स क्या है कैंसर के। चार ऐसे ग्रह हैं जिनके डायनामिक्स, जिनके गोचर का बारे में उसका इम्पैक्ट इफेक्ट का पता करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले शनि। सैटर्न का इफेक्ट किसी भी साइन के प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, प्रोफेशनल बैकिंग के लिए, कामकाज के लिए, जॉब के लिए, किर्त के लिए, अपने रिजेक्ट के लिए, पैसों के लिए, धन संपदा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बृहस्पति का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप पढ़ लिख के कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर आपके लिए पूरा अप्लाई होगा। उसके वो इसके बिना गुजारा ना हो पाएगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। राहु और केतु, अचानक जो घटनाएं होती हैं, अचानक जो त्रासदियाँ हो जाती हैं, कई बार फाइनेंशियल लॉस हो गया, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, जिसे हम कहते हैं टेंशन है, वो राहु है। जिसे हम कहते हैं बॉडी में पेन है, पता नहीं क्यों है, वो राहु है। इसमें ऐसी चीज़ें जो कई बार आपके एक्सरेज में भी नहीं आती, वो राहु है। तो राहु की वजह से, केतु की वजह से आपकी बहुत सी इश्यूज होते हैं, बहुत सी मुश्किलें होती हैं, बहुत सी त्रासदी होती है, जिसका ताल्लुकात राहु और केतु की वजह से है। तो उसका गोचर भी हर एक साइन के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। शनि का गोचर कैंसरियन के लिए क्या है? शनि का गोचर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 2019 के अंदर क्या है? भाई 26 अक्टूबर 2017 से लेके 24 जनवरी 2020 तक शनि छठे घर से कैंसरियन के लिए विचर रहा है। वहाँ से उसका ट्रांजिट, उसका गोचर चल रहा है। पाया शनि का कैंसर के लिए सोने का है, गोल्ड है। उसकी वजह से आपके कैंसर की जिंदगी के अंदर कामकाज के मामले में बहुत से ऑब्स्टेकल्स होंगे, बहुत सी दूरियां होंगी, बहुत सी तब्दीलियां भी होंगी, बहुत से हर काम में देरी होगी, हर काम में अड़चने बहुत होगी, बहुत सी हार्डशिप से गुजरना होगा, कामकाज को लेके स्ट्रगल बहुत होगा, हर काम में स्ट्रगलें होंगी, अड़चने होंगी। आप कई बार कई प्रोजेक्ट आपके आप होल्ड पे आ जाएंगे, कई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होंगे। हर बार आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, ब्लॉक महसूस कर सकते हैं। खर्चे में बढ़ोतरी होगी, हैसल्स बहुत ज़्यादा होंगी, परेशानियां बहुत ज़्यादा होंगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। जितना आप डिटर्मिंड होंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे, जितना आप हाथ पांव मारेंगे, जितना आप एफर्ट डालेंगे उतने सक्सेसफुल रहेंगे, जितना आप दूसरों पर रिलाई करेंगे उतनी मुश्किलें उतनी दुश्वारियाँ ज़्यादा होंगी। पर्सनल हैप्पीनेस के बार नहीं होगी, पर्सनल हैप्पीनेस के अंदर तनाव होगा। कैंसेरियन के लिए शनि का गोचर छठे घर का, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, कर्जे चढ़ जाएंगे, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। कोल्ड से रिलेटेड, जुकाम से रिलेटेड, गले की इन्फेक्शन, सांस की तकलीफ, ब्लैडर्स की प्रॉब्लम, पाँव में सूजन,
एंकल्स के अंदर आपके दर्द होना, टखने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, लेग्स के अंदर पेन होना, पैरों में भारीपन होना, ये है। शनि छठे घर में है, लीगल इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से आपका नुकसान हो सकता है, दोस्तों मित्रों के अंदर शत्रुता पैदा हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो सकती है, लोग आपके गले पड़ सकते हैं, ओपिनियन कई बार नहीं मिलेगी आपस में, उसकी वजह से तनाव हो सकता है फैमिली रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सिंगल हैं और शादी करवाना चाहते हैं तो बहुत सी दुश्वारियाँ आएंगी, शादी होने पे ना आएगी, हर काम में रुकावट होगी, लोग उसमें तुनकबाजी करते रहेंगे, आपकी टांगें खींची जाएंगी, फिजूल बातों में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, कोई ब्लेम भी आ जाएगा, एक्सीडेंट से, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। शनि का गोचर छठे घर में है, शनि छठे घर में है कैंसर साथियों, तो कई बार ये पीरियड आपका, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस समय आपके डेट्स, आपके कर्जे, आपके फराशल इश्यूज़ को आपको थोड़ा सोच समय के चलना होगा। कई बार पैसों की आमद जैसी आप चाहते हैं वैसी नहीं होगी। आप इस पीरियड के दौरान, मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा व्यक्त करेंगे, और ये भी कहना चाहूँगा कि समटाइम कोई ऐसी चीज़ भी है जिस पर आप थोड़े बहुत पैसे भी खर्चना चाहेंगे, अगर आप कोई रेनोवेशन में भी पैसा खर्च सकते हैं। और इस पीरियड के दौरान शत्रुओं के साथ रिलेशनशिप पॉलिटिकली ठीक ठाक रखें, हर बात पे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या किसी को प्रोवोकेशन में ना आए, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, प्रोफेशनल सोशली टाइम के बट चैलेंजेस से भरपूर हो सकता है, और कई बार जो पुराने लोग होंगे वो आपकी सपोर्ट करेंगे, दोस्त मित्र भी आपके साथ सिंपैथेटिक होंगे, और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि घर गृहस्थी के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत से चलना होगा, और थोड़ा रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आना होगा, डीपली इमोशनली अंडरस्टैंडिंग लेके आनी होगी, और ख़ास तौर पे शनि जब छठे भाव में है तो रिलेशनशिप में अगर पैशन होगा तो रिलेशनशिप फल फूलेगा, खुशियाँ आपको मिलेंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, तो फिर हालात इतनी तलखी नहीं होगी। उपाय के लिए शनि छठे घर में है तो ये उपाय आपको करने चाहिए, 6 किलो सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, 6 किलो काला नमक, 6 शनिवार कच्ची ज़मीन में दबाएं, सुबह 4:30 से 6:30 के बीच काले शाह रंग का कुत्ता पालें, ब्लैक डॉग पालें, अगर काले शाह रंग का कुत्ता नहीं पाल सकते तो ब्लैक डॉग आप डोनेट कर दें किसी डॉग होम को, ब्लैक डॉग, ब्लैक कुत्ता ना दान करें, कुत्ते का खाने का सामान किसी डॉग होम को डोनेट कर दें, खाने डॉग फूड जो है वो किसी डॉग होम को डोनेट कर दें, या कोई आवारा कुत्तों को खाना खिला दें, ये भी कर सकते हैं। या ये भी कहना चाहूँगा, अगर काले शाह रंग का कुत्ता पालें, अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, एनर्जी है, आप कमिटमेंट कर सकते हैं। एक और उपाय, क्रिस्टल गोट, जो क्रिस्टल शॉप से आपको मिलेगी, क्रिस्टल गोट, जो क्रिस्टल की जो बकरी होती है, ऑक्टगन मिरर के ऊपर रख के अपने घर में टेबल पे रखें तो बहुत ज़रूरी, 2 किलो प्योर घी धर्मशाला लंगर में दान करें, 12 फ्राइडेज के दिन, और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी ना बने, ओवरली ऑक्यूपाइड ना हो, और अपने घर की छत पे स्काई विंडो ना रखें, ये ना हो कि छत से आपके घर के अंदर रोशनी, हवा, पानी आता जाए, वो मना है आपके लिए। झूठ और फ्रॉड से बचें, शूज़ ना लें इस समय, शूज़ आप शनि छठे घर में है, आप पूरा 1 साल के लिए शूज़ नहीं खरीद सकते, 24 जनवरी 2020 तक शूज़ ना खरीदें, नए शूज़ ना खरीदें, लेदर की बनी हुई चीज़ें ना लें, और धर्मस्थान भी जाएं तो शूज़ अपने गाड़ी में उतार के जाएं, शूज़ लेके धर्मस्थान ना जाएं, शराब मांस मछली से परहेज़ करें, शूज़ ना खरीदें, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें। मंत्र साधना जो आपको करनी चाहिए शनि के छठे घर के प्रकोप के लिए, वह ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम, ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम, ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम, ओम हरिम बटुकाए आप दुदर्शनाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। इसी की साधना करें तो बहुत अच्छा। शावर लेने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और कंबल के आसन में बैठे, पानी का भरा हुआ जग अपने पास रखें, रात का समय हो और आसन कंबल का हो, डायरेक्शन फेसिंग हो वेस्ट, टाइम डिवोशन जो चैंटिंग की होती है वो 48 मिनट, 72 मिनट और 96 मिनट, 144 मिनट, ये टाइम आपका चैंटिंग का है, इसको करना चाहिए।
बृहस्पति का क्या इफेक्ट होगा कैंसेरियन के लिए? बृहस्पति जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल नॉलेजबिलिटी, स्किल, ये रिप्रेजेंट करता है आप बच्चे की पैदाइश, आपकी शादीशुदा जिंदगी, तीनों पे उसका पूरा इंपैक्ट है। जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, जिनका प्रोफेशन का बेस ही उनकी नॉलेजबिलिटी स्किल है, बृहस्पति उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति का इफेक्ट 2019 के अंदर कैंसेरियन साथियों के लिए क्या होगा? बृहस्पति का इफेक्ट 2019 के अंदर कैंसेरियन के लिए, कैंसेरियन के लिए बृहस्पति का इफेक्ट पंचम भाव में है। बृहस्पति गोचर के दौरान कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि से पंचम भाव में है। 11 अक्टूबर 2018 से लेकर 29 मार्च 2019 तक बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियन के लिए फिफ्थ हाउस में है। कर्क राशि के लिए पंचम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो ये टाइम पीरियड कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियन के लिए हैप्पीनेस लेके आएगा, कामयाबियाँ लेके आएगा, सुखद अनुभव लेके आएगा। आपकी हर एफर्ट का बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा, आपकी हर कामयाबी आपके साथ होगी, आप अपने मटेरियलाइज प्लान्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं, आप अपने कामकाज के अंदर बहुत तरक्की कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और प्रोफेशन के अंदर आपको प्रॉफिट्स भी मिलेगा। आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगी। अगर आप कोई चीज़ नया सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, रिवार्ड्स लेके आएगा। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। अगर आप कैंसेरियन हैं, कोई बहुत बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, गारमेंट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। पर्सनल फ्रंट पे भी ये कहूँगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी रिलेशनशिप प्रपोजल आपको मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो इस बच्चा पैदा करने का ये टाइम सबसे अच्छा है। आने वाले 12 महीने बच्चे की पैदाइश के लिए फाइनेस्ट है। ये टाइम पीरियड आपका पूरा जो टाइम पीरियड है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगी, भाई बहनों के साथ, बाल बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बहुत पहले से इम्प्रूव होंगे और डोमेस्टिक हेल्प भी आप हायर करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होगी। सेल्फ जो हेल्प आप चाहते हैं वो हेल्प आपको मिल जाएगी। घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, पार्टीज होंगी, गैदरिंग होगी और घर के हालात पहले से अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड सुखद अनुभव लेके आएगा, अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें लेके आएगा, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी। और ये भी कहना चाहूँगा, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और ये टाइम पीरियड अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या आप कोई जॉब के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो डिसीजन मेकर हैं वो आपके फेवर में होंगे, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आप किसी भी डिबेट के अंदर जीत सकते हैं, चाहे मैं कोर्ट में हूँ या इंटरव्यू रूम के अंदर हो या प्रेजेंटेशन के अंदर हो, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी। और ये टाइम पीरियड नाम होगा, तरक्की होगी, फेम होगी, मेंटली सुखद अनुभव होंगे, सुख शांति होगी। पंचम भाव में बृहस्पति होगा तो आप क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन आपका ग्रो होगा और दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें बहुत होंगी, बहादुर बनेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, आप अपने हर नॉलेजबिलिटी स्किल को दिखा पाने में कामयाब होंगे। और ये टाइम पीरियड किसी विदाउट एनी ईगोइज्म के आप आगे बढ़ेंगे और हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी, ट्रमेंडसली इम्प्रूवमेंट होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप अपनी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत भी कर सकते हैं एंड विदाउट एनी रिजर्वेशन। और ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप की शुरुआत अच्छा अनुभव देगी, अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि इस पीरियड के अंदर आपको पता है आपने बिहेव कैसा करना है। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के साथ हालात पहले, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे होंगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो ये टाइम पीरियड बच्चे कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम पीरियड अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये टाइम पीरियड जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं वो अपने स्टेटस को, अपनी कंपनी को बदलना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल से कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। जो बृहस्पति का पंचम भाव का जो गोचर है बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिव पोटेंशियल में राइज होगी। आपकी अगर आप एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं,
टैलेंट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। वर्ल्ड इज योर ऑडियंस, बहुत पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी। आप अपनी कला का जौहर दिखाने में काबिल होंगे, लोगों को इम्प्रेस करने में काबिल होंगे और आपका नाम होगा। इसमें आपको शोहरत भी मिलेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी। इस समय बड़े बड़े लोगों से आपके कदरदान होंगे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत से नए नए लोगों से भी मुलाकातें होंगी जो आप जैसे नहीं हैं, जिनकी बैकग्राउंड आपसे डिफरेंट है, जिनकी सोच आपसे डिफरेंट है, जो उनका कल्चर, रिलीजन, रेस आपसे अलग होगी, वो भी उस आपसे मिलेंगे। और ये टाइम पीरियड आंखें खोलने वाला होगा, कई नई चीज़ों का पता लगेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप खुशियाँ लेंगे, तरक्कियाँ लेंगे। और ये टाइम पीरियड ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप किसी बहुत खतरे में भी होंगे तो आप निकल आएंगे। इस समय आपकी कॉन्फिडेंस आपका आपको आगे लेके जाएगा, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, हेल्थ भी पहले से इम्प्रूव होगी, एक्सप्रेशन भी आपका इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके जो बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बातें चल रही हों, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर हो, फैमिली टेंशन बहुत ज़्यादा हो, फाइनेंशियल लॉस चोरी ठगी से हो जाए, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाए, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, ग्यारहवें घर में, बारहवें घर में, मरकरी हो, वीनस हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो, तो इस तरह के आपको उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। ये तांत्रिक प्रयोग है, ये उच्चिष्ट गणपति प्रयोग है। इसकी जो फंडामेंटल बेस चैंटिंग है वो ये है, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। पहले इस मंत्र का जाप करें कम से कम 1.5 लाख, उसके बाद आप हवन करें, 1500 हुतियाँ कर लें या 15,000 हुतियाँ डालें। ये जब भी इसको मंत्र का जाप भी करते हैं, मुँह में कोई इलायची वगैरह डाल के या स्वीट वगैरह डाल के कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के खाने बना के, अलग अलग प्रकार के फ्रूट और ड्राई फ्रूट से हवन कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग वही होगी, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। 43 डेज के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए तो आप स्काई इज़ लिमिट, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पालें, ब्लैक डॉग पालें एज ए पेट। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर डॉग्स को फीड कर दें, किसी डॉग होम में जाके डॉग फूड डोनेट कर दें। तीसरा, किसी धार्मिक स्थान की सफाई करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी से भी कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ना लें, प्रसाद ना लें धर्म स्थानों से, और लंगर वंगर ना खाएं। अगर आप कोई ऐसा प्रसाद लेना पड़ जाए, लंगर खाना पड़ जाए, तो वहाँ पर आपको फिर पैसे दान करने होंगे, एक्स्ट्रा मनी डोनेट करें, ताकि आप, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसको उसको रोक सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से कोई फेवर नहीं लेते, तो ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति के गोचर छठे घर में, कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए बृहस्पति के गोचर छठे घर में शुरुआत होगी 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक। ये जो लेस देन वन मंथ टाइम है, बृहस्पति फिर छठे घर में जाएगा और इस टाइम के दौरान 29 मार्च 2019 से लेके 22 अप्रैल 2019 तक बृहस्पति छठे घर में जाएगा। तो ये टाइम पीरियड लाइफ पार्टनर्स को लेके, इस पर टाइम को लेके थोड़ी मुश्किलें होंगी। कई बार आपके अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शत्रुता पैदा हो सकती है फैमिली के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, कई बार अपनी गुरु के साथ भी कुछ किसी बात पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। शत्रुओं से बचे, लोग आपको वाइंड अप कर सकते हैं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। कई बार आप बहुत से कारणों की वजह से बहुत अनहैप्पी होंगे और थोड़ा बेचैनी बहुत होगी, स्लैकनेस बहुत होगी, और कई बार कामकाज के हालात इतने अच्छे नहीं होंगे, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके थोड़ा कामकाज को देखना पड़ेगा। चोरों ठगों से बचें, आग से बचें, और कैपिटल जो हायर अथॉरिटी से आपको पनिशमेंट मिल सकती है उससे बचें, और अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें अपने एम्प्लॉयर के साथ, लोगों के साथ, और रिलेशनशिप को ख़राब ना होने दें। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि आपको किसी नए एंटरप्राइज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और लेकिन ये नए कामकाज की शुरुआत के लिए ये टाइम ठीक नहीं, ये नए काम के, नए प्रोजेक्ट को टाइम कर लिए, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए इस समय में ना शुरू किया जाए। हेल्थ का, रिलेशनशिप का, अपने अपने जीवन साथी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से बचें, और अपने आप को किसी कानूनी लड़ाई के अंदर फंसा के मत बैठ जाएं, थोड़ा उससे ध्यान रखें। जुपिटर छठे घर में होगा तो ये टाइम पीरियड अपनी कई चीज़ें हैं, इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत विचार करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे,
और ये भी कहना चाहूँगा कई बार लोगों के साथ झगड़ा भी होता है तो फिर अंदर सोचने को आपको पास टाइम होगा, अपनी ईगो को थोड़ा दुरुस्त करें, अहंकार को थोड़ा ज़मीन पे लेके आए। जितनी ह्यूमिलिटी का प्रयोग करेंगे उतनी आप बीठे रहेंगे, उतने हालात भी अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि आप कई सिचुएशंस को रियलाइज़ करते हैं, कई प्रॉब्लम्स को आप रियलाइज़ करते हैं, उनसे छुटकारा हो जाता है। काम के हालात थोड़े आपको उस पर मेहनत करनी होगी, अपनी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करते जाएंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि साइलेंट मोड में आप काम करते जाएंगे, लोग आपकी परफॉर्मेंस को बेटर हुआ देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। जॉब के हालात पहले से अच्छे होंगे, कामकाज के हालात अच्छे होंगे, नई जॉब ऑफर का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। लेकिन आप कई बार अपनी खुद एडवांसमेंट नहीं करना चाहते, जहाँ पे आप सेटल हैं, जहाँ पे आप खुश हैं वहीं पे रहना चाहते हैं। कामकाज के हालात को लेके मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि आप वो अपने स्टैंडर्ड को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। इंटरनल डेवलपमेंट पे आप तो जोर ज़्यादा होगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नए काम के लेने से पहले जो जहाँ पे जो पे आप काम कर रहे हैं उस पे थोड़ा निखार लेके आना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर प्रमोशन पे आपका ध्यान नहीं होगा, और अपनी इस समय लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपकी एबिलिटी को, आपकी नॉलेज को, आपकी आर्ट और क्राफ्ट को नॉलेज बहुत लोग एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन इस समय ये भी मैं कहना चाहूँगा, जॉब के अंदर तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट पे लेके लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन इस समय ज़रूरत से ज़्यादा वेट ना गेन करें, और ये टाइम ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मोटे ना हो जाएं, उस पर भी ध्यान रखें। और ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी फैटी फूड से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचें। और कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा, हर चीज़ की ज़्यादा जाति बुरी होती है, चाहे कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करें वो ठीक नहीं होती। अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेशंस हो, नंबर वन कि डिफरेंस ओपिनियन लोगों के साथ हो जाए, घर में झगड़े शुरू हो जाए, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जीवन साथी के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ ख़राब हो जाए, कर्जे चढ़ जाए, सोना चोरी हो जाए, लोग चोरी ठगी से आपका नुकसान कर दें, लोग आपको कोऑपरेशन ना दें, पहला घर खाली हो, तो ये उपाय ज़रूर करें जो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। फैमिली मेम्बर्स की इंसल्ट ना करें। दूसरा, अपने रिलेशनशिप मिठास बना के रखें। तीसरा, अपने घर में कालेशा रंग का कुत्ता पाले, या डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करते रहें। एक और बात, 6 किलो चना दाल, 600 ग्राम हल्दी धर्मशाला लंगर में दान करें। एक थर्सडे, सिक्स थर्सडे, नाइन थर्सडे, ट्वेल्थ थर्सडे, ये आपके ऊपर। और जब भी मौका मिले खाने पीने के सामान या एक सूखा राशन, धार्मिक जो व्यक्ति हैं जैसे प्रीस्ट हो उनको दान करें, 6 बार दान करें कम से कम। और नॉनवेज जो खाना ना खाएं, मांस मछली ना खाएं, उससे बचें। बृहस्पति का गोचर एक बार फिर पंचम भाव में, कर्क राशि वालों के लिए, कैंसेरियन के लिए शुरुआत फिर होगी 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक, 22 अप्रैल 2019 से लेके 5 नवंबर 2019 तक बृहस्पति एक बार फिर पंचम भाव में कर्क राशि के लिए। पंचम भाव में बृहस्पति दोबारा फिर आएगा तो ये टाइम पीरियड खुशियां लेके आएगा, कामयाबियां लेके आएगा, आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल की रेगुलेशन लेके आएगा। तो ये टाइम पीरियड कर्क राशि वालों के लिए, कैंसरियन के लिए हैप्पीनेस लेके आएगा, कामयाबियां लेके आएगा, सुखद अनुभव लेके आएगा, आपकी हर एफर्ट का बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा, आपकी हर कामयाबी आपके साथ होगी, आप अपने मटेरियलाइज प्लान्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं, आप अपने कामकाज के अंदर बहुत तरक्की कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, और प्रोफेशन के अंदर आपको प्रॉफिट्स भी मिलेगा, आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगी। अगर आप कोई चीज़ नया सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, रिवार्ड्स लेके आएगा। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। अगर आप कैंसरियन हैं, कोई बहुत बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, गारमेंट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। पर्सनल फ्रंट पे भी ये कहूँगा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी रिलेशनशिप प्रपोजल आपको मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो आपकी शादी की बात चल सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो इस बच्चा पैदा करने का ये टाइम सबसे अच्छा है। आने वाले 12 महीने बच्चे की पैदाइश के लिए फाइनेस्ट है। ये टाइम पीरियड आपका पूरा जो टाइम पीरियड है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी,
भाई बहनों के साथ, बाल बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बहुत पहले से इम्प्रूव होंगे और डोमेस्टिक हेल्प भी आप हायर करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होगी, सेल्फ जो हेल्प आप चाहते हैं वो हेल्प आपको मिल जाएगी, घर में खुशियाँ होंगी, तरक्कियाँ होंगी, पार्टीज होंगी, गैदरिंग होगी और घर के हालात पहले से अच्छे होंगे। ये टाइम पीरियड सुखद अनुभव लेके आएगा, अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें लेके आएगा, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी और ये भी कहना चाहूँगा लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और ये टाइम पीरियड अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या आप कोई जॉब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो डिसीजन मेकर है वो आपके फेवर में होंगे, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, आप किसी भी डिबेट के अंदर जीत सकते हैं, चाहे मैं कोर्ट में हूँ या इंटरव्यू के रूम के अंदर हूँ या प्रेजेंटेशन के अंदर हूँ, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी। और ये टाइम पीरियड नाम होगा, तरक्की होगी, फेम होगी, मेंटली सुखद अनुभव होंगे, सुख शांति होगी। पंचम भाव में बृहस्पति होगा तो आप क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन आपका ग्रो होगा और दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें बहुत होंगी, बहादुर बनेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, आप अपनी हर नॉलेजबिलिटी स्किल को दिखा पाने में कामयाब होंगे। और ये टाइम पीरियड किसी विदाउट एनी ईगोइज्म के आप आगे बढ़ेंगे और हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी, ट्रमेंडसली इम्प्रूवमेंट होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप अपनी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत भी कर सकते हैं एंड विदाउट एनी रिजर्वेशन। और ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप की शुरुआत अच्छा अनुभव देगी, अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि इस पीरियड के अंदर आपको पता है आपने बिहेव कैसा करना है। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के साथ हालात पहले, बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे होंगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो ये टाइम पीरियड बच्चे कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम पीरियड अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ टाइम पीरियड जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं वो अपने स्टेटस को, अपनी कंपनी को बदलना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल से कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। जो बृहस्पति का पंचम भाव का जो गोचर है बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिव पोटेंशियल में राइज होगी। आपकी अगर आप एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, टैलेंट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। वर्ल्ड इज़ योर ऑडियंस, बहुत पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी। आप अपनी कला का जौहर दिखाने में काबिल होंगे, लोगों को इम्प्रेस करने में काबिल होंगे और आपका नाम होगा। इसमें आपको शोहरत भी मिलेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी। इस समय बड़े बड़े लोगों से आपके कदरदान होंगे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत से नए नए लोगों से भी मुलाकातें होंगी जो आप जैसे नहीं हैं, जिनकी बैकग्राउंड आपसे डिफरेंट है, जिनकी सोच आपसे डिफरेंट है, जिनका कल्चर, रिलीजन, रेस आपसे अलग होगी, वो भी उस आपसे मिलेंगे। और ये टाइम पीरियड आंखें खोलने वाला होगा, कई नई चीज़ों का पता लगेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा ये टाइम पीरियड आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप खुशियाँ लेंगे, तरक्कियाँ लेंगे। और ये टाइम पीरियड ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अगर आप किसी बहुत खतरे में भी होंगे तो आप निकल आएंगे। इस समय आपकी कॉन्फिडेंस आपका आपको आगे लेके जाएगा, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, रेकोगनाइज करेंगे, हेल्थ भी पहले से इम्प्रूव होगी, एक्सप्रेशन भी आपका इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपके जो बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बातें चल रही हो, आउट ऑफ कंट्रोल टेंपर हो, फैमिली टेंशन बहुत ज़्यादा हो, फाइनेंशियल लॉस, चोरी ठगी से हो जाए, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो जाए, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, ग्यारहवें घर में, बारहवें घर में मरकरी हो, वीनस हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो, तो इस तरह के आपको उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। ये तांत्रिक प्रयोग है, ये उच्चिष्ट गणपति प्रयोग है। इसकी जो फंडामेंटल बेस चैंटिंग है वो ये है, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। पहले इस मंत्र का जाप करें कम से कम 1.5 लाख, उसके बाद आप हवन करें, 1500 हूतियाँ कर लें या 15,000 हूतियाँ डालें,
ये जब भी इसको मंत्र का जाप भी करते हैं मुँह में कोई इलायची वगैरह डाल के या स्वीट वगैरह डाल के कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के खाने बना के अलग अलग प्रकार के फ्रूट और ड्राई फ्रूट से हवन कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग वही होगी, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। 43 डेज के अंदर इसको मुकम्मल किया जाए तो आप स्काई इज लिमिट, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरा उपाय, काले शाह रंग का कुत्ता पालें, ब्लैक डॉग पालें एज ए पेट। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो फिर डॉग्स को फीड कर दें, किसी डॉग होम में जाके डॉग फूड डोनेट कर दें। तीसरा, किसी धार्मिक स्थान की सफाई करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी से भी कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ना लें, प्रसाद ना लें धर्म स्थानों से, और लंगर वंगर ना खाएं। अगर आप कोई ऐसा प्रसाद लेना पड़ जाए, लंगर खाना पड़ जाए, तो वहाँ पे आपको फिर पैसे दान करने होंगे, एक्स्ट्रा मनी डोनेट करें, ताकि आप, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसको उसके रुक सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से कोई फेवर नहीं लेते तो ज़्यादा अच्छा है। राहु और केतु का इफेक्ट कैंसर पे क्या होगा? कर्क राशि के ऊपर राहु केतु का इफेक्ट क्या होगा? कर्क राशि के लिए राहु केतु का इफेक्ट कैंसरियन के लिए 2019 में, राहु केतु की पोजीशन इस समय राहु लगन में है, केतु सप्तम भाव में है इस समय। 23 मार्च 2019 में राहु ने लगन को कैंसर राशि को छोड़ना है, कर्क राशि को त्यागना है और जेमिनी में मिथुन राशि में प्रवेश करना है जो कि 12वां घर है, और केतु ने कैप्रिकॉर्न को छोड़ना है, सप्तम भाव को छोड़ेगा केतु और छठे घर में जो धन राशि में प्रवेश करेगा 23 मार्च 2019। समय होगा यूके टाइम के मुताबिक 8:13:39 और रहेगा राहु की पोजीशन 12वें घर में, केतु की पोजीशन छठे भाव में, रहेगी 19 सितंबर 2020। समय होगा यूके टाइम के मुताबिक 5:06 शाम के, 5:06:17 शाम के, ये समय होगा जब राहु केतु की पोजीशन बदलेगी और इतने वक्त तक रहेगी। राहु जब 12वें घर में होगा कैंसरियन साथियों, ये टाइम पीरियड राहु का 12वें घर में होगा, इनसिक्योरिटी लेके आएगा, अनसर्टनटी लेके आएगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा, कर्जे लेके आएगा, डेट्स लेके आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर लॉस लेके आएगा, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होगी, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन बहुत होगी, आपके प्रोजेक्ट रहे के धरे रह जाएंगे और कंप्लीशन ना हो पाएगी, पैसे मर सकते हैं, समय बहुत सोच समय के चलना होगा, अपने टास्क को पूरा करने, अपने प्रोजेक्ट को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं होगा, और कई बार आपको अंदर से अपने जोश लेके आना होगा, अंदर से अपने कॉन्फिडेंस लेके आनी होगी, कई बार हर काम में रुकावट होगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। राहु 12वें घर में है, एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, लोग साथ देने को इनकार करेंगे, और ये टाइम पीरियड कर्जे बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, इनसिक्योरिटियां बढ़ेंगी और लैंड और प्रॉपर्टी के अंदर नुकसान हो सकता है। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है कि कई बार आप जिस तरह से रेजिडेंस भी आपको कोई छोड़ना पड़ सकता है, जॉब जगह रहने की, कामकाज की जगह रहने की जगह दोनों में तब्दीली हो सकती है। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से तैयार रखें, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, और अपनी फेम्स जो आपकी, सभी लोग आपकी बदनामी कर सकते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, आपका नाम बदनाम कर सकते हैं, आपको ह्यूमिलेट कर सकते हैं, आपको बैकस्टैप कर सकते हैं, आपकी अफवाहें फैला सकते हैं, कर्जेदार आपके पीछे होंगे, लोगों के साथ रिस्पेक्ट बना के रखनी, रैपोर्ट बना के रखनी बड़ी मुश्किल होगी। इस टाइम सभी आपका विरोध करेंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, आपके हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे लेकिन कारण नहीं पता होगा, टेंशन ट्रॉमा दिमाग में बहुत होगा, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, दिमागी और शारीरिक सेहत ठीक अच्छी नहीं होगी। इस समय रातों की नींद हराम हो सकती है, केतु की पोजीशन छठे भाव में है, केतु छठे भाव में आएगा, बिजनेस के लिए बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी हेल्थ और वेलबींग जिसका ताल्लुक पैरों से हो सकता है, अपने आपके टखने से हो सकता है, आपके एंकल्स के साथ हो सकता है, आपके नीज के साथ हो सकता है, आपके पैरों के साथ हो सकता है, आपकी स्किन के साथ हो सकता है, आपके ब्लैडर्स के साथ हो सकता है, गुर्दों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस पीरियड में अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, कर्जों से बचें, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, लोग आपको झूठ बोल के पैसे आपके खा सकते हैं, बहुत विचार करके चलना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोर्ट में ना जाएं,
बाहरी रजामंदी कर लें, बाहरी कंप्रोमाइज कर लें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके सोच विचार करके चलना होगा। इमोशंस और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स ना करें। इकोनॉमिक्स कुछ और है, इमोशंस कुछ और है। पेट की प्रॉब्लम, ब्लैडर्स की प्रॉब्लम, अगर आप डायबिटिक हैं, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परहेजगारी बहुत चाहिए, प्रिकॉशन बहुत चाहिए। इस समय कई बार आपकी जो आप इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसको भी आपको ध्यान दे लेने के लिए क्या ना होगा। कई बार घर के अंदर हालात बदल सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। बाहर के लोगों को अपने फैमिली रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। घर के अंदर सुख शांति बना के रखें, हालात तब ठीक होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा भी ना करें। कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए। धर्मस्थान में जाके कन्या पूजन करें, छोटी बच्चियों को ग्रीन ड्रेसेस, मनी स्वीट्स डोनेट कर दें। दूसरा उपाय, रेड कलर के पिल्लों में सौंफ भर के सर के नीचे रख के सोया करें। तीसरा उपाय, किचन में खाना खाएं तो बात बने। एक और उपाय, सॉलिड सिल्वर गणेश बनवाएं। सॉलिड सिल्वर गणेश, कोकला नहीं, सॉलिड सिल्वर गणेश बनवाएं। उसमें घर के अंदर स्थापना करें, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगल में फाइन गोल्ड बैंड पहने विदाउट ज्वाइन। एक और उपाय, अपने घर में काले शाह रंग का कुत्ता पालें या डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करें। एक और उपाय, हमेशा इस समय क्लटर ना रखें, कबाड़ घर में ना रखें, खाली बोतलें ना रखें, अनयूज बुक्स और मैगजीन्स ना रखें, पुराने कपड़े संभाल संभाल के ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें, घड़ियां खराब पड़ी बंद पड़ी ना रखें, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर ना रखें, टूटे हुए शीशे ना रखें, चिप्ड क्रॉकरी ना रखें, अनयूज पाइप्स ना रखें और अनयूज केबल्स वायर्स ना रखें। और दूसरा, स्कैंडल से बचें, फ्रॉड से बचें, स्कैम से बचें, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। तीसरी बात, फैमिली रिलेशनशिप के साथ झगड़े मत करें। और इस समय अगर कुत्ता पाल रहे हैं तो बड़े प्यार मोहब्बत से पालें। झूठ और फ्रॉड से बचें। घर में स्मोक ना करें, स्मोकिंग फ्यूम ना करें, बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ या धूप ना लगाएं घर के अंदर, और स्मोकिंग ना करें, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील के अप्लाइंसेस ना खरीदें, और घर की रिवायरिंग ना करवाएं, घर की बहुत ज़्यादा प्लम्बिंग भी ना करवाएं, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना करें, रूफ एक्सटेंशन ना करें। जो मंत्र साधना आपको करनी चाहिए वो है, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, 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 ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की आपकी होगी। और कैंसर के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे जो 2019 के अंदर आपको फेस करनी होगी। ऐसी क्या प्राप्तियां हैं जो 2019 के अंदर कैंसेरियन साथी आप प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी क्या अकम्प्लिशमेंट है जो कैंसेरियन साथी 2019 में प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी अकम्प्लिशमेंट जो 2019 में आप प्राप्त कर सकते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट कैंसेरियन के लिए 2019 के लिए। पहला, इस समय इस साल 2019 में कैंसेरियन साथियों, ऐसा हो सकता है कि आपके फ्लो ऑफ इनकम में, वेल्थ एसेट्स में राइज हो, आपकी सेविंग्स में राइज हो, आपकी पावर एंड प्रेजेंटेशन में राइज हो। ऐसा हो सकता है कैंसेरियन साथियों, आपके प्रोफेशनल स्टेटस में राइज हो, आपकी प्रेस्टीज ऑनर में राइज हो। ऐसा हो सकता है कैंसेरियन साथियों, 2019 के अंदर आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिले। कैंसेरियन साथियों के लिए चौथी बात, आपके इन्फ्लुएंस में राइज होगी, आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल में राइज होगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, रेगोनाइज किया जाएगा, प्रोफेशनल पावरफुल लोग आपको रेगोनाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। पंचम, ट्रैवल अराउंड आप बहुत करेंगे। छठी बात, कोई गाड़ी की प्रॉपर्टी की डीलर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो साल है, सोच समय के चलेंगे तो बहुत तरक्की होगी। सोच समय के चलेंगे, इकोनॉमिक्स को इमोशंस के साथ मिक्स नहीं करेंगे और डिसीजन चॉइसेस सोच समय के बनाएंगे तो वंडरफुल ईयर है पूरा साल। कैंसेरियन कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी 2019 में? ऐसी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कैंसेरियन के लिए 2019 में? कॉम्प्लिकेशन नंबर वन, ये पूरे साल के अंदर आप बेचैन बहुत होंगे, डर बहुत होगा, अपने आप से बड़े अनॉयड होंगे, अपसेट होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, बहुत सी बातों पे अनसर्टेनिटीज बहुत होगी, कश्मकश बड़ी होगी,
होगी नहीं होगी ऐसे बहुत होगा, रातों की नींद हरामे होगी, जो जिनका कर्ज अगर आप किस लोगों के पैसे देने हैं पीछे पड़े होंगे उसकी वजह से पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन नंबर टू, कैंसरियन को अपनी हेल्थ मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, पेट का बहुत ध्यान रखें। तीसरा, कैंसरियन के लिए इस साल लीगल लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, लीगल फसाद में ना आए। चौथी बात, कैंसरियन को अपने स्टेटस प्रेसिस ऑनर और रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, लोग आपके सिस्टमेटिकली रेपुटेशन खराब कर सकते हैं। पंचम बात, कैंसरियन को अपनी आइज का, अपने लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें, अपने पेट का बहुत ध्यान रखें। कैंसरियन के लिए छठी बात, अपनी इस समय अपनी कम्युनिकेशन जो आपके शादीशुदा जिंदगी के अंदर है उसका बहुत ध्यान रखें, आपकी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें कैंसरियन साथी। सेवंथ, सातवीं बात, चीटिंग और डिसेप्शन और थेफ्ट से बच के रहें, चीटिंग डिसेप्शन और थेफ्ट से बच के रहें और चोरी ठगी से अपने आप को बचा के रखें। बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, बहुत बड़ी चीट आपकी हो सकती है, कोई आपके पैसे खा सकता है, कोई आपको बहुत दिन दिहाड़े आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे ले सकता है। आठवीं बात, बहुत बड़े कर्जों से बचें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे वो पैसा डूब जाएगा, बहुत बड़ा गैम्बल खेल लेंगे पैसों को लेके वो पैसा चला जाएगा, बहुत बड़ा पैसों को लेके गैम्बल पे ना पैसा लगाएं उससे आपको नुकसान होगा, बहुत बड़ा गैम्बल में पैसा ना लगाएं उससे नुकसान होगा, उससे बचें। कैंसरियन के लिए जनरल ओवरव्यू क्या है 2019 का, जनरल ओवरव्यू 2019 का कैंसरियन के लिए, 2019 के अंदर जो जनरल ओवरव्यू है जो इस तरह से है कि आप इस पूरे साल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, कई बार आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे होंगी, कई बार आप इतने बिजी होंगे कि आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होती नज़र आएगी। ये पूरा साल 2019 का साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा और चैलेंजेस बहुत होंगे, अपॉर्चुनिटीज ही बहुत मिलेंगी, चैलेंजेस ही बहुत मिलेंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होंगी, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पहले होगी, अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी साथ में जुड़ी होगी, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी जुड़ी हुई होगी, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे पहले कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ पहले देखें। ये भी हो सकता है कि लोग आपको किसी बात में फंसा सकते हैं, आपको पहले वो नहीं बताएंगे जो बताना चाहिए, वो आपको बाद में बताएंगे, आपको फंसा सकते हैं। 2019 का साल, ये साल प्रॉब्लम्स लेके आएगा, हर काम में देरी लेके आएगा, प्रोजेक्ट आपके टाइम पे नहीं होंगे, डेंजरस सिचुएशन में से गुजरना पड़ेगा और इस समय स्नेक से पैरासाइट से वायरस से बचें, ये टाइम पीरियड हार्डशिप से गुजरना होगा, बहुत मेहनत करेंगे इस पूरे 2019 के अंदर। 2019 का साल हेल्थ का ध्यान रखें, ये टाइम पीरियड विदड्रॉ करना पड़ेगा आपको मेन स्ट्रीम से, विदड्रॉ करना पड़ेगा, कई बार भागना पड़ेगा, कई बार जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको विचार करना होगा, कई बार आपको बहुत सारे नुकसान से गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे डिसीजन उस सभी के बनाए। 2019 के अंदर जो आप सपोर्ट चाहते हैं वो वैसी नहीं मिलेगी, जो फेवर चाहते हैं वो वैसी नहीं मिलेगी और कंपटीशंस कई बार आप चाहते हैं लक उसमें आए कई बार वैसी नहीं होगी, और लेकिन सक्सेसफुल करियर को बनाने में नॉलेजबिलिटी स्किल के ऊपर अगर आप बनाएंगे तो बन जाएगा, नॉलेजबिलिटी स्किल के ऊपर आप तरक्की करना चाहते हैं वो कर हो जाएगी अपने बलबूते पे, नॉलेजबिलिटी स्किल के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर नॉलेजबिलिटी स्किल के बलबूते पे आप तरक्की करना चाहें वो बन जाएगी, उसके लिए साल बहुत अच्छा है और उसमें आप कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेसफुल करियर डेवलप करने में कामयाब होंगे। 2019 का साल ये भी है कि फॉर्चून अच्छा, मुकद्दर अच्छा मिलेगा, अच्छी सपोर्ट मिलेगी, नॉलेज बहुत अच्छी होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसी प्रोफेशन के अंदर है या आप आईटी सेक्टर के अंदर है, आप कंसल्टेंट हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत यूनिक है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि इस साल गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसीजन मेकर को जब डील करें तो बहुत सोच समझ के करें और आप कोई रफ डिसीजन ना बनाएं, ओवर जजमेंटल ना हो, और ये भी कहूँगा कि इस समय सोच समझ के चलना होगा। 2019 का साल आपके लिए फेम देगा लेकिन बेस होगा नॉलेजबिलिटी स्किल, बेस होगा आपकी प्रोफेशनल नॉलेजबिलिटी स्किल। 2019 का साल पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देगा, वेल्थ देगा,
नए नए लोगों के साथ मिलवाएगा, प्रोफेशनल लोगों के एलीट के साथ मिलवाएगा, हाईली प्रोफेशनल जो लोग होंगे आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नॉलेजबिलिटी स्किल को लेकर तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिजनेस जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर वो पैसा इन्वेस्ट करें उनको उस पर जरा उनको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, कंट्रोल रिक्वायर है, तो इस साल आपको पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, हर काम के अंदर तरक्की होगी और आप वेल्थ, फेम, नेम, गेन सब करेंगे। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं काम जीत जाएंगे, इंटरव्यू में जाते हैं जॉब आपको मिल जाएगी, फेम, रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, ऑनर सब आपको मिलेगा, लीडरशिप आपको मिलेगी, पोजीशन आपको मिलेगी। 2019 का साल ऑनर का साल है, बच्चे की पैदाइश का साल है, जो शादी जिनकी नहीं हुई उनकी शादी का साल है, प्रॉपर्टी लेने का साल है, गाड़ी नहीं लेने का साल है, अथॉरिटी अकम्प्लिश करने का साल है, हेल्थ को इम्प्रूव करने का साल है, नया काम खोलने का साल है, लेकिन विदाउट एनी बिग, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का साल है, और वेल्थ बनाने का साल है, पैसे बनाने का साल है। प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए फाइनेस्ट ईयर है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए 2019 का साल। अगर आप कैंसेरियन है और आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, लीगल प्रोफेशनल हैं, आप सोलिसिटर है, बैरिस्टर है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, आप आईटी कंसल्टेंट है, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, तो ये साल आपका है। इसमें अथॉरिटी में राइज होगी, पोजीशन में राइज होगी, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, वेल्थ ऑफ फेम आपको मिलेगी, आप अपने हर मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को अचीव करने में कामयाब होंगे, नाम होगा, पूरा नाम होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, पुरानी बीमारियों से फारिग हो जाएंगे, हर काम में तरक्की होगी और हर काम में आपकी वाह वाह होगी। आपका हार्डवर्क जो आपने मेहनत की थी अपने पढ़ने लिखने में, वो आपका बहुत बड़ा रिवार्ड लेके आएगा, लोग आपसे संतुष्ट होंगे, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग आपको अपोज कर रहे हैं वो भाग जाएंगे। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, जगह भी तब्दील हो सकती है। 2019 का साल मुश्किलों को ख़त्म करने का साल है, ऑनर और प्रमोशन आपको कामकाज में मिलेगी, तरक्की मिलेगी, और ये भी है कि इस साल अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इस साल के लिए नहीं है। अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, स्टॉक एंड शेयर में पैसा ना लगाएं, कैंसेरियन, पैसा डूब जाएगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, पैसा डूब जाएगा, बहुत बड़ा गैम्बल ना करें, पैसा डूब जाएगा, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेके, बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल ना करें, पैसा डूब जाएगा। और इस पर इन्वेस्ट अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर कुछ काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस में पैसा लगा कुछ और बनाना है, उसके लिए साल ठीक नहीं। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा ना लगाएं, पैसा आपको रिकवर ना कर पाएंगे, और उसकी वजह से इस 2019 का साल मुश्किल है और बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, बहुत बड़े कर्जे हो सकते हैं, बहुत बड़ी देनदारियां हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फिर जगह बदल सकती है, कामकाज की, घर की, प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है, थोड़ा विचार कर लें। कंसीडर लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी 2019 में। 2019 का साल जो होगा ये एजुकेशन का साल है, प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेजबिलिटी स्किल का साल है। एजुकेशन के लिए साल बहुत यूनिक है। अगर आपका एजुकेशन का फील्ड लॉ है, आप मैनेजमेंट के अंदर काम सीख पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ लीगल प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आईटी में हैं, आप इवन मेडिसिन के अंदर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, हाईएस्ट एस्पिरेशन आपकी फुलफिल होगी, बहुत बड़े आपकी सक्सेस आपको मिल सकती है। और ये टाइम पीरियड एजुकेशन का साल है, हाईएस्ट एजुकेशन, हाई, बहुत जैसे ए सुपर ए डबल स्टार ए स्टार टाइप आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है इस साल। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मुकद्दर आपको पूरी सपोर्ट करेगा। 2019 का साल अगर आपका लीगल स्टडीज़ है, आपका लॉ मैनेजमेंट है, या फिलोसफिकल स्टडी है, इकोनॉमिक स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस है, मेडिकल रिसर्च के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फिनोमिनल होंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेंगी। एजुकेशन जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, किसी भी किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचे, ओवरली ऑक्यूपाइड ना हो, नॉलेज का फील्ड आपका लीगल हो सकता है, आपको पूरी तरह डेवलप करेगा, वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके
फ्यूचर करियर का बेस बनेगी और नॉलेज आपकी एबिलिटी स्किल आपकी मानी जाएगी। अगर आप स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट में भी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं वो उसके भी अंदर भी आप नाम पैदा करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुकद्दर में चमक पैदा होगी और लोग आपको ये समझेंगे कि आप पैशनेट हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। उस वजह से जो डिसीजन मेकर हैं वो आपको फेवर करेंगे, आपको रेगोनाइज करेंगे। कैंसेरियन हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हेल्थ के बारे में कैंसेरियन साथी 2019 का साल आपके लिए एंग्जाइटी लेके आएगा, दिमागी परेशानी बहुत लेके आएगा, रातों की नींद हराम करेगा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लेके आएगा। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, पेट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, दिमागी तौर पर हेल्थ का स्ट्रेस लेवल बहुत होगा, दिमाग में जैसे ट्रॉमा होता है ऐसे होगा, इमोशनल एक्सट्रीम बहुत होगी, फिक्र बहुत होगा, टेंशन बहुत होगा, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से पेट की प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, लैक ऑफ एनर्जी, हाई और लो लिबिडो, और उसकी वजह से आप थोड़ा हेल्थ की नेक के अंदर पेन होना, बैक में पेन होना, और उस पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे और गैसेस इम्बलेंस बिगड़ जाएगा, वीकनेस उसकी वजह से आएगी टेंशन की वजह से। पेट आपका बहुत ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें और खाने पीने में थोड़ा परहेज भी करें। कैंसेरियन रोमांस एंड लव लाइफ कैसी होगी 2019 में? लव लाइफ और रोमांस 2019 के अंदर, ये पूरा साल रोमांटिक ईयर है, शादी करवाने का साल है, बच्चा पैदा करने का साल है, रोमांस का साल है। ये पूरा साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ पैदा होंगे, तरक्की भी बहुत करेंगे, उसके हिसाब से आपकी प्रपोजल भी शादी की मिल सकती है, रोमांटिकली बहुत आप इन्वॉल्व होंगे। एक से अगर आप सिंगल हैं, एक से ज़्यादा मैरिज प्रपोजल मिलेंगे, एक से ज़्यादा आपको ऑफर मिलेंगे। ये टाइम पीरियड आप रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं। लेकिन 2019 का साल शादी करवाने के इच्छुक आप होंगे, आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहेंगे और शादीशुदा जिंदगी के अंदर कोऑपरेशन भी देना चाहेंगे और लेना भी चाहेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो शादीशुदा रोमांटिक पार्टनर को शादी में कन्वर्ट करने में थोड़ा विचार करेंगे, पीस हार्मोनी लव कमिटमेंट सोच समय के बनाएंगे। 2019 का साल अपने एटीट्यूड को चेक करें अपने किसी भी तरह से, और अपने पार्टनर के बार आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, खासतौर पर अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप को लेकर बड़े इशू होंगे। घर में सुख शांति बना के रखनी होगी, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना होगा। 2019 का साल लोगों से लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, कई बार अगर आप बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस फैमिली रिलेशनशिप में होगी, बाहर की थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में होगी, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी मैरिज रिलेशनशिप में होगी, तो आपकी रिलेशनशिप स्पॉयल हो जाएगी, फिर डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर पार्टनर का इंटरेस्ट आपकी तरफ नहीं है, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो गया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, उसकी वजह से रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा, वो आपको काम नहीं होने देना। उसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर एक अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जो आप चाहते तो नहीं है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को रिलेशनशिप में ना लेके आए, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ना लेके आए। कन्फ्यूजन अगर बन गई, वो कन्फ्यूजन आपको रिलेशनशिप को टोटली डैमेज कर देगी। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं तो थर्ड पार्टी रिलेशन इंटरफेरेंस ना लेके आए, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट ना लेके आए। प्लीज़ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लेके आएंगे, रिलेशनशिप हाथ से गया, फिर रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में ना आएगा, फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट, प्रोवोकेशन, क्वर्स, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गूमेंट्स, फिर पार्टनर ने आपसे विदड्रॉ हो जाना है, फिर वो जो जोश था प्यार मोहब्बत के लिए वो नहीं होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चलें। कैंसेरियन सोशल लाइफ कैसी होगी? सोशल लाइफ 2019 के अंदर भी ये दोस्त मित्र बहुत होंगे, दोस्त मित्र बनेंगे भी बहुत, फॉरेन कनेक्शन आपके डेवलप होंगे, फॉरेन से लोग आपके ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग भी आपके साथ होंगे जो आपसे जेलस भी होंगे लेकिन कहते हैं अपने आपको दोस्त होंगे, वो आपके सबसे बड़े बैक स्टैबर होंगे, उनसे नुकसान होगा, वो लोगों के अंदर आपके बारे में अफवाहें फैला देंगे, वो आपको गलत ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आपकी हैसल्स बढ़ जाएंगी। जो लोग जो आप जिनकी जिनसे आप सपोर्ट चाहते हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे,
जिनसे आप चाहते हैं कि आपको बैकिंग दे, वो बैकिंग ना करेंगे, बैकस्टैबिंग कर देंगे। 2019 का साल शत्रुओं में और दोस्तों में थोड़ा देखना होगा कि असल में कौन दोस्त है कौन शत्रु। ओवर इमोशनल होकर बात ना करें, शत्रुओं को पहचानी है, सोच समझ के चलें। दोस्तों को शत्रु ना मान लें और शत्रुओं को दोस्त ना मान लें, वहाँ पर गलती मत करें। और कई बार लोग आपको समझने में गलती कर सकते हैं, उसकी वजह से लोग थोड़ा पीछे हट सकते हैं, उसकी वजह से लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होंगे। तो इस समय कई बार आपको अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी होगी कि कौन कैसे है। 2019 का साल आपको बहुत ध्यान से चलना होगा और पब्लिक इमेज अच्छी बना के रखें और प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हर हो सकती है 2019 का साल। ये भी कहना चाहूँगा आपके ये पूरा साल कन्फ्यूज़न ना लेके आए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना लेके आए, रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए, और ये पूरा साल आपका स्ट्रेन किस्म की सिचुएशन से गुजरना होगा। 2019 का साल सोच समय के चले, सोशल लाइफ को लेकर बात करेंगे, सोच समय के चले। कैंसर एंड बिजनेस प्रोफेशन करियर कैसा होगा 2019 का? बिजनेस प्रोफेशन करियर 2019 का, आप इस साल बहुत तरक्की करना चाहेंगे, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे, बहुत एम्बिशियस भी होंगे और लोग प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग डिसीजन मेकर आपको नोटिस भी करेंगे, क्योंकि नॉलेजबिलिटी स्किल आपकी फाइनेस्ट है। इसकी वजह से फोकस अपना प्रोफेशन के अंदर रखें, करियर के अंदर रखें। 2019 का साल के बाद आपको बहुत से मुश्किल हालात में काम करना पड़ेगा, लोग सपोर्ट ना करेंगे, के बाद जॉब ऐसे देखने में तो लगेगी होपलेस है, बट इन द एंड उसी जॉब होपलेस जॉब को आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिल जाएगी। वर्क हार्ड बहुत करना पड़ेगा, लेबर बड़ी करनी पड़ेगी, दिमागी तिकड़म बड़ी लड़ानी पड़ेगी। आप इस पूरे साल के अंदर अगर आपके पास नॉलेजबिलिटी स्किल है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको रेगुलाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रोफेशनल लोगों के साथ आपकी एसोसिएशन बनेगी, लोग आपको इनकरेज करेंगे और रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा बिजनेस के अंदर आपको चीटिंग किया जा सकता है, बिजनेस के अंदर लोग आपको ठगी ठोरी से खा जाएंगे। 2019 के अंदर दो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बहुत सोच समझ के जाएं, बिजनेस पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट सोच समझ करें, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर या वैसे बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत फाउल एक्सपीरियंस होगा, धोखाधड़ी आपके साथ हो जाएगी, चीटिंग और फ्रॉड का आप शिकार हो जाएंगे। और इस समय किसी पे आंख मूंद के यकीन ना करें, लोगों के बातों में आके पैसा इन्वेस्ट ना करें, किसी को ऐसे ही पार्टनर ना बिजनेस पार्टनर ना बना लें, लोग पैसा खा जाएंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, बहुत सोच समझ के चलें। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने की बजाय अगर अपनी नॉलेजबिलिटी स्किल के बलबूते पे किसी के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो बेहतर होगा बजाय कि आप अपने खुद के लिए काम करें। इस समय इस साल पैसा लगा के खुद का बिजनेस करने का साल नहीं है जी। अगर आप कहीं अपनी नॉलेजबिलिटी स्किल के बलबूते पे कोई आपको जॉब दे रहा है, उस जॉब को आप कर रहेंगे तो 100% सेव हो जाएंगे। लेकिन इस समय ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सोच समय के करें, डिसीजन चॉइसेस सोच समय के बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी और कामकाज पे बहुत मन लगा के काम करना होगा। आपका एक्सप्रेशन आपके लिए कामयाबियाँ लेके आएगा, तरक्कियाँ लेके आएगा। 2019 का साल जितनी मेहनत करेंगे उतने बड़े रिवार्ड होंगे। 2019 का साल बहुत फोकस रहना होगा, बाहर के लोगों को वाइंड अप ना अपने आप को करने दें, हर किसी की कही हुई बात पे विश्वास ना करें और कामकाज में बहुत डिसिप्लिन लेके आए, ड्राइव लेके आए, डिटर्मिनेशन लेके आए, डिवोशन लेके आए, तब आपकी तरक्की बहुत होगी। और अगर आपका कामकाज ऐसा है जिसमें आप, ये कहता हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिसिन के अंदर हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, तो ये साल आपके लिए राइजिंग सक्सेस प्रॉस्पेरिटी अचीवमेंट लेके आएगा। अगर आप लीगल प्रोफेशनल हैं तो ये साल बहुत तरक्की लेके आएगा। लीगल के लिए अकाउंटेंसी, अगर आप अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कंसल्टेंट हैं, आईटी कंसल्टेंट हैं, आप सोलिसिटर हैं, बैरिस्टर हैं, लीगल क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, मैनेजमेंट के अंदर हैं, तो ये साल डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। इस साल जॉब कर लें, अपना पैसा लगा के बिजनेस ना करें, उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसमें आपको बचना होगा। और ये 2019 का साल आउटस्टैंडिंग तब होगा फैमिली को लेके, कम्युनिटी को लेके, क्योंकि आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को पब्लिकली अप्रिशिएट किया जाएगा, रेगुलाइज किया जाएगा,
बहुत बड़ी अटेनमेंट आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी जॉब ऑफर आपको हो सकती है, हाईली प्रोफेशनल स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर पे आप जा सकते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, रेपुटेशन आपकी इन्हांस हो सकती है, लोग आपको नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी एडवांसमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा आप तरक्की बहुत करेंगे और बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बहुत रहेंगे, लार्ज कॉरपोरेशन के अंदर आप काम करेंगे, करियर आपका इम्प्रूव होगा और इन्फ्लुएंस आपका इम्प्रूव होगा, पावर आपकी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसके लिए थोड़ा काम करना होगा। कैंसर एंड आपकी प्रॉपर्टी और आपकी इन्वेस्टमेंट 2019 के अंदर कैसी होगी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके बात करेंगे 2019 के अंदर। 2019 का साल बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत विचार करके चलना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए विचार करके चलना होगा। पैसा आपको मिल सकता है किसी गिफ्ट की फॉर्म के अंदर या इनहेरिटेंस की फॉर्म के अंदर या किसी लोन की फॉर्म के अंदर, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करते हुए विचार कर ले। 2019 का साल प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर या कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर पैसा आपका बनेगा, बहुत एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रैक्टिकल होना होगा। प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले सोच विचार कर लें, प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं जो आपके सामने हो, ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट ना करें जो हवा में है, जो अभी बनी नहीं। 2019 का साल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लें, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से पहले उस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ देख लें कैसी होगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पेंड भी पैसा करना होगा, तरक्की तब होगी, और इनकम के रिसोर्सेज के बारे में विचार भी करना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या लेके आएगी, आंख मूंद के बीच पैसा ना लगाएं। कैंसेरियन नेचर और करेक्टरिस्टिक्स टेम्परमेंट इस पूरे साल के अंदर आपके कैंसेरियन की नेचर और करेक्टरिस्टिक्स और टेम्परमेंट कैसी है। कैंसेरियन बहुत सेंसिटिव होते हैं और किसी कोई बात हो जाए उसको लेके बैठे रहते हैं और किसी के कमेंट को लेके भी बहुत सीरियस होते हैं। कैंसेरियन बहुत इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है और इम्प्रैक्टिकल डिसीजन बना लेते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन बना रहे होते हैं, हर डिसीजन में इमोशन लेके आ रहे होते हैं। कैंसेरियन जिस तरह मून भी कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, उस तरह इनकी मूड स्विंग्स बहुत होती हैं, इमेजिनेटिव बहुत होती है, मूड स्विंग्स भी बहुत होती हैं, उस तरह वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज होता है मून के हिसाब से। कैंसेरियन अंदर से तो बहुत नर्म है, बाहर से बहुत सख्त नज़र आते हैं। कैंसेरियन बहुत सिंसियर है अपनी ड्यूटीज़ को लेके, बहुत रिस्पेक्टफुल है अपने बड़े बुजुर्गों को लेके, पानी के बड़े बहुत प्यार करते हैं, तैरने का बहुत शौक है, वाटरफॉल्स का, गार्डन्स का, ग्रीनरी का बहुत शौकीन है। कैंसेरियन बहुत ज़्यादा सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक के बारे में बहुत शौकीन है, अनस्टेबल माइंड होगा। और कैंसेरियन के लिए फैमिली रिलेशनशिप के साथ रहना, माँ बाप के साथ बहुत प्रेम होता है, माँ बाप के बहुत डियर भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, और हमेशा कैंसेरियन को अपने आप को इंसल्ट से बचा के रखना होता है क्योंकि सेंसिटिव बहुत होते हैं, छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाते हैं। गलत किस्म के सर्कमस्टांसिस में जो इनका स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस को बना के रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों पे एजिटेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हेल्पलेस बहुत हो जाते हैं, मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं और ट्रैवल बहुत करना चाहते हैं, कई बार इंप्रेशन तो देते हैं बहुत फ्रैंक हैं लेकिन असल में उतने फ्रैंक नहीं जितने बोल रहे होते। हमेशा इश्क इनके दिमाग में होता है, रूहानी इश्क चाहते हैं, बहुत स्पिरिचुअली रोमांटिसिज्म बहुत दिमाग में होता है और कई बार फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह एक्सप्रेस करनी चाहिए। रोमांस दिल में बहुत है, इश्क बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इम्पेशेंस से बचना चाहिए, दिमाग लास्ट मिनट पे दिमाग चेंज कर लेते हैं अपना, हाइपर सेंसिटिव ना हो और सेल्फिश ना बने, शॉर्ट टेम्पर भी ना बने, छोटी छोटी बात पे इरिटेट मत करते जाएं। शास्त्रों के मुताबिक कैंसेरियन जो है वो टॉल है, मीडियोकर फिजिक है, गर्दन थोड़ी मोटी है और माथे के बीच में एक लाइन चल रही है, स्लिम फिगर है, स्मॉल हेड है, बहुत सारे बाल भी है, थिक वॉइस है और वेस्ट थोड़ी चौड़ी है, हाई थाइज है, ब्लैक मोल आर्मपिट के अंदर है या लेग के अंदर है और बड़े किसे कहते हैं टैलेंटेड हैं, बहुत दोस्त, बहुत पक्के यार हैं,
बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का, कलेक्शन करने का बड़ा शौकीन है, और पेरेंट्स के लिए डिवोशन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, गुरु के लिए बड़े डिवोटेड है, एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में बड़ा इंटरेस्ट है, और हमेशा किसी हाईली प्रेस्टिजियस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं, हमेशा जो स्टेटस है इनको इम्प्रेस करते हैं, और नेचर के बहुत शौकीन है, वाटर को बहुत लाइक करते हैं, और कई बार दोस्तों मित्रों को बहुत चाहते हैं, और घर को बनाना चाहते हैं, शान से जीना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क को बहुत लाइक करते हैं। और कंसीडरिंग के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, आउटस्टैंडिंग है कि लेकिन ये जो टाइम पीरियड का होता है कि इस टाइम के अंदर फेम भी चाहते हैं किसी भी कीमत पे, और थोड़े बहुत पेन और इलनेस से बच के रहना होता है, चाहे वो हाथ में हो, फायर से बच के रहे, लेफ्ट लिम को थोड़ा ध्यान रखना होता है, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच के रहना होगा, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखें, हर बात पे इरीटेट ना करते जाए, जो मॉडर्न पॉइंट व्यू पॉइंट है बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल बहुत ज़्यादा, इमेजिनेटिव बहुत है, फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है, बाहर से थोड़े सख्त है, फेथफुल है, लॉयल्टी बहुत है इनके अंदर, लेकिन दिमागी तौर पे थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी है, जब टेंशन लेके आती है दिमाग में कोई ना कोई डर होगा, अपनी इंसल्ट से बहुत घबराते हैं, और खाने पीने के बहुत शौकीन है, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन है, और इंटरेस्टेड होते हैं ट्रैवलिंग करने के, और सम टाइम ड्रॉबैक भी उनकी होती है, इम्पेशेंस भी बहुत होती है, फ्लैक्सीबिलिटी को लेकर भी बड़ा इशू होता है, हाइपर सेंसिटिव बड़े होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। कैंसेरियन के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कैंसेरियन के लिए जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से है, कैंसेरियन मीडियोकर हाइट है, फेस इनका राउंड होता है, प्लम्पी चीक्स होती हैं, और फेस ये मैं कहना जाना चाहूँगा थोड़ा ओवल शेप्ड होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, हाथ लेग्स और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं, हेल्दियर होता है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एज के साथ स्टमक थोड़ा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बहुत ओवरवेट हो जाते हैं, मटक मटक के चलते हैं, मीठी आवाज़ होती है। कैंसरन के लकी पॉइंट्स कौन से 2019 के, लकी पॉइंट्स 2019 के, कैंसरन के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2019 का, आई फील आई थिंक, कैंसरन के सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2019 के लिए ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट विश्वास, कैंसरन की सबसे बड़ी वीकनेस 2019 की केयरलेसनेस बेपरवाही, कैंसरन का सबसे बड़ा एम्बिशन 2019 का गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड और अप्रिशिएटेड, रिकॉग्निशन हासिल करना, नाम हासिल करना, अप्रिशिएशन हासिल करना। कैंसरन के लकी डेज कौन से 2019 के अंदर, मंडे थर्सडे ट्यूजडे, अनलक्की डेज 2019 के कैंसरन के सैटरडे एंड वेडनेसडे। लकी कलर 2019 के वाइट क्रीम एंड रेड, अनलक्की कलर 2019 का नेवी ब्लैक एंड ग्रीन। लकी प्रेशर स्टोन 2019 का कैंसरन के लिए फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटर रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रूबी, गोल्डन येलो सफायर, गोल्ड के सोने स्क्वायर पीस में जुड़वा के गले में पहने, हेल्थ के लिए, राइजिंग के लिए, सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस प्रोफेशन करियर, ऑनर स्टेटस प्रेसिज, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, डिफेंस फ्रॉम एनी क्राइसिस के लिए, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए, किसी भी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए, राइजिंग के लिए, राइज इन लक के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रेगुलेशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। कैंसर जो मिलीनियर डायरेक्शन कौन सी है आपकी, तो अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 2019 के अंदर, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदे तो ज़्यादा अच्छा। अनलक्की डायरेक्शन कौन सी है प्रॉपर्टी के लिए, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी ना खरीदे, साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में ना जाए। टास्क कौन से करिए 2019 के अंदर, रेमेडीज क्या हों, सबसे पहले कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, बार बार हर वंस वीक करें, हर बार करें, लाल रंग के पिल्लों में सौंफ भर के उसको सर के नीचे रख के सोया करें, रेड कलर का पिल्लो बनाए उसमें रुई की जगह सौंफ भर लें, वो सर के नीचे रख के सोया करें, बहुत ज़रूरी है। किचन में खाना खाएं, आपके ऊपर को ब्लेम ना आ पाएगा, किचन में खाना खाएं, हेल्थ ठीक रहेगी। सॉलिड सिल्वर गणेश जी बनवा के घर में रखें,
उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें। ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जितना करेंगे उतनी मुश्किलें आसान होंगी। फाइन गोल्ड बैंड पहने विदाउट ज्वाइंट लेफ्ट लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। काले शाह रंग का कुत्ता पाले, बहुत ज़रूरी है। डॉग फीड डॉग होम को डोनेट करें, बहुत ज़रूरी है। और गणेश जी का पूजन करें गणपति सहस्त्र नाम से। 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन पर दबाएं सैटरडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग, नॉट इवनिंग। 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन पर दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। 6 हर डे उपाय करें। बच्चियों को बच्चियों की शादी में पैसे डोनेट करें। मिक्सचर दूध और मिक्स दूध और मिल्क मिक्सर की पूरी बॉडी पे मल के नहाएं। फाइन गोल्ड स्क्वायर पीसेस और सिल्वर स्क्वायर पीस, फाइन गोल्ड स्क्वायर पीस सिल्वर स्क्वायर पीस अपने गले में पहने और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत एफर्ट लगाएं। परफ्यूम लगा के रखें, सिर के पिछले बाल लंबे रखें तो बहुत बने। और फ्रेश फ्लावर अपने घर में रखें, सैफ्रन केसर चांदी के बॉक्स में डाल के घर में रखें। गागर पानी रिवर वाटर में पानी भर के, गागर में ब्रास की गागर में रिवर वाटर भर के घर के अंदर रखें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। जब भी पानी सूख जाए उस पर पानी और डालते रहें। ये वेल्थ के लिए सबसे बड़ा उपाय, अच्छा उपाय है। और 6 रिलीजियस धार्मिक व्यक्तियों को कंबल केले पैसे दान करें। होल मील आटा, होल मूंग दाल, जितना आपका बेटा उतना। धर्म स्थान जहाँ पर लंगर लगता हो वहाँ दान करें, कम से कम 1 बार, 4 बार, 8 बार, 12 बार करें, बहुत जरूरी उपाय है। कैंसर इन 2019 के अंदर प्रिकॉशन कौन से कर रही है, क्या आपकी प्रिकॉशन है जो आपको करनी चाहिए 2019 के अंदर। प्रिकॉशन के लिए 2019 के अंदर अपने बुजुर्गों का कोई जो ट्रेडिशंस है उसको बंद ना करें। अगर वो बंद करेंगे आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अपनी एफर्ट्स को बना के रखने में, अपने आपके प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगाएं, आपका इकबाल बुलंद होगा। जंग लगा लोहे का सामान घर में ना रखें, उससे फाइनेंशियल लॉस होगा। राख तवीज़ भभूति ड्राई फ्लावर शंख शिवलिंग बेल घर में ना रखें, वो उससे आपकी कई फ्लो आपके फ्लो बंद हो जाएंगे। कबाड़ घर में ना रखें, घड़ियाँ खराब पड़ी हुई ना रखें, इससे आपके बहुत नुकसान हो सकते हैं फाइनेंशियल। पुराने कपड़े ना रखें, घड़ियाँ खराब पड़ी बंद पड़ी ना रखें। अनयूज्ड मोबाइल फ़ोन चार्जर केबल वायर ब्रोकन मिरर चिप्ड क्रॉकरी अनयूज्ड पाइप एम्प्टी बॉटल्स लकड़ी अनयूज्ड पाइप्स केबल वायर ऐसी चीज़ें ना रखें। कबाड़ घर में से निकाल दें। शराब ना पिए, नॉन वेज ना खाएं, स्मोकिंग ना करें, स्कैंडल्स में पार्टिसिपेट ना लगाएं, फ्रॉड में ना जाएं, झूठ फूट के पैसे ना कमाएं, गैम्बलिंग में पैसा ना लगाएं, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, गैम्बल ना करें प्लीज़, वो आपको बिल्कुल बेकार कर देगा। फैमिली रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा ना करें, बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें, उससे आपको नुकसान होगा। और कुत्ते की पालना करें, कुत्ता नहीं पाल सकते डॉग होम जाके फूड डोनेट कर दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, झूठ फ्रॉड से बचें। प्रसाद लंगर प्रसाद ना लें, प्रसाद ना लें, फेवर्स ना लें, गिफ्ट ना लें, वो आपके नुकसानदायक है आपके लिए। बुज़ुर्ग औरतों का आशीर्वाद लें, बड़े बुज़ुर्गों की आशीर्वाद उनका लें, उनकी इज्जत करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने शूज़ लेके मंदिर जाए, गुरुद्वारे माता टेकने ना जाएँ, अपने शूज़ धर्म स्थान में ना लेके जाएँ, गाड़ी में छोड़ के जाएँ, घर में छोड़ के जाएँ, स्मोकिंग ना करें प्लीज़, घर में भी फ्यूम्स ना पैदा करें, धूप अगरबत्ती ना लगाएं और कुछ लगा लें प्लीज़, स्मोकिंग से परहेज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लाइंसेस ना खरीदें इस साल, और नए जूते ना लें एक साल के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लेदर की बनी हुई चीज़ें एक साल के लिए ना लें। वो मंत्र साधना जो कैंसर इनको करनी चाहिए अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो मंत्र साधना चैंटिंग्स कैंसर इनके लिए। चैंटिंग नंबर 1 जो मेडिसिनल क्योर इफेक्ट बहुत, इसका आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैंटिंग से उस प्रॉब्लम का खत्म। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है, लीगल है, यू नेम इट, एनी प्रॉब्लम। ये माँ तारा का बीज मंत्र है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट करने में सक्षम है। मंत्र साधना इस तरह से, ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट, 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 ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट। पानी का जग सामने रखना है, रंग बिरंगा कंबल
दिन का रात सुबह के 3 बजे के बाद जाप करें, बहुत ज़रूरी है। फेस आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। टाइम मिनिमम 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। दूसरी साधना राइजिंग एंड बूस्ट के लिए यह है ओम ऐंग हरिम शरिम क्लिम हस्सो जगत प्रसुत्ताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम क्लिम हस्सो जगत प्रसुत्ताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम क्लिम हस्सो जगत प्रसुत्ताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम क्लिम हस्सो जगत प्रसुत्ताय नमः। माँ कमला का उपासना है, इससे फाइनेंस चैंटिंग इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए और कोई नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट है जगह वाटर मिक्स कर ब्लैंकेट्स रात के 10 बजे के बाद। वेस्ट फेसिंग आपका मुख हो, टाइम होना चाहिए 48 मिनट्स, 96 मिनट, 144 मिनट। नहा के स्नान लेके शावर लेके परफ्यूम लगा के जाप करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बहुत टाइडी रह के जाप करना होता है माँ कमला के लिए। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्वीन ऑफ द क्वीन, वो पटरानियों की पटरानी है, वो नारायण की शक्ति है, वो ब्रह्मा की शक्ति है, महादेव की अर्धांगिनी है, तो ये आदि शक्ति है। आप उससे चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे हर तरह से, इसका जाप शुरू कर ले प्लीज। जो चाहेंगे आप हासिल कर लेंगे, लेकिन लगातार करें, लगातार करें प्लीज प्लीज प्लीज। आज के लिए इतना ही बहुत, और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कैंसर इनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आपको माँ भगवती तंदुरुस्ती आपकी बनाए रखे, खुशियाँ आपको दे, इस आने वाले साल में आपको समृद्ध करे, जप करें, उपाय करें, दान करें, पुण्य कमाएं। प्रिकॉशन परहेज भी करना होता है, धर्म का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है डिसिप्लिन भी है, और कर्म शक्ति सबसे बलवान है, कर्म भी करते रहे। इसी के साथ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हूँ, मिलूँगा बहुत जल्द एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक नए हॉरोस्कोप के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।